श्री गुरु नानक देव रक्तदान सेवा सोसाइटी एवं श्री गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय के तत्वावधान में रविवार को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर में 21वां रक्तदान शिविर जगत गुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी के 550वें प्रकाश पर्व को समर्पित किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि सिख समाज पूरे देश में आदर्श स्थापित करता है। इस प्रकार का आयोजन मैंने किसी संस्था के द्वारा नहीं देखा। बहुत ही अनुकरणीय कार्यक्रम है। इस अवसर पर पूर्व महापौर सत्या पांडे, मोतीलाल सिंह, सरदार यशपाल सिंह, डॉक्टर अवधेश अग्रवाल सहित भारी संख्या में श्री गुरु नानक सेवक रक्तदान शिविर में शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा। चलो बात शुरू कर दिया। अरे दादा देखिए, सिख समाज तो पूरे देश में आदर्श स्थापित करता है। आज 21वां रक्तदान शिविर है ये, और इस प्रकार का आयोजन मैंने किसी संस्था के द्वारा कभी देखा नहीं। तकरीबन 2000 नागरिकों ने यहाँ रक्तदान किया और तकरीबन 2,250 नागरिकों को इन्होंने मदद की अलग से। कि इतना अनुकरणीय कार्य है कि इसका दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। 550वीं प्रकाशोत्सव का अवसर आ रहा है दशम गुरु का, इसके उपलक्ष्य में ये लोग विशेष रूप से कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। जो एक समाज में भय था रक्तदान को लेकर के, उन्होंने उसको दूर किया है। जटाशंकर गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक हैं सरदार जसपाल सिंह, वो 66 बार खून दे चुके हैं, और मुझे तो लगता है कि अब उनकी एक जिंदा रहते हम मूर्ति स्थापित कर देनी चाहिए। लोग देखें और प्रेरणा तो लें। एक आदर्श उन्होंने स्थापित किया है जिससे लोगों के मन में भय दूर हो सके। मैं इसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ।